दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि न्यायालय में कुछ ऐसे शब्द जो उर्दू के हैं ज्यादा प्रयोग में हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, उनकी हिंदी क्या है, कभी कभी ये समझ में नहीं आती है। बहुत से बातकारियों को, कुछ हमारे साथी अधिवक्ताओं को जो भी जूनियर हैं, उनके समझ में कुछ ऐसे शब्द नहीं आते हैं, क्योंकि मैं स्वयं झेल चुका हूँ। मैं शुरुआत में ही जब गया था तो तनकी नहीं समझता था कि तनकी क्या होता है। तो दोस्तों आज हम कुछ 20-25 वर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिनकी जिनके हिंदी अर्थ समझाएंगे। दोस्तों कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, उनको मैं पहले से ही बता दूं। जैसे हाजा, ज्यादातर लिखा मिलता है थाना हाजा पर। दूसरा देहा, कभी कभी किसी के नाम के आगे देहा लगाते हैं, जैसे लेखपाल देहा। तनकी, तलबी, मुवक्किल, दाखिला, इस्तगासा, मुद्दई, खसरा खतौनी, दीवानी, वकील, मुख्तार, परवाना, इंसाफ, अदालत, सवाल तलाश, जिरह, बहस, हाजिर, दरखास्त, रहिन, मुंतजिम, हिरासत, फरियादी और रोज नामचा आम तथा रोज नामचा खास। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, केस डायरी में ज्यादातर लिखा होता है, इसलिए इसकी चर्चा करना जरूरी था। कायमी, तहरीर, ताजिरात हिंद, दरियाफ्त, गवाह, मुचालका, बरी, मुलजिम और मुजरिम और मुलतबी। दोस्तों आज इन शब्दों के एक एक करके हिंदी अर्थ समझेंगे। इसके अलावा आप सभी हमारे व्यूवर्स को ये निवेदन है कि अगर किसी को कोई ऐसा उर्दू वर्ड जिसकी हिंदी नहीं पता है या समझना चाहते हैं, तो हमें इसमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। मैं ऑलरेडी उपलब्ध हूँ और जब भी मौका मिलेगा तुरंत आपके कमेंट्स का जवाब देता हूँ। दोस्तों हाजा का मतलब होता है लोकल या स्थानीय। जैसे बहुत बार लेके आता है थाना हाजा पर शिकायत दर्ज नहीं की, या थाना हाजा पर ये माल बरामद किया हुआ रखा है। तो थाना हाजा जहां शब्द लिखा हो, माने जहां पर वो माल या घटना हुई है उस ज्यूरिडिक्शन में, जो लोकल एरिया में थाना है, या लोकल एरिया माने लोकल माने स्थानीय जगह को बोलते हैं हाजा। दोस्तों शब्द देहा आता है, ये भी रेवेन्यू ऑफिसर्स या रेवेन्यू अधिकारियों के लिए यूज होता है। जैसे कोई लेखपाल है उसके लिए आगे देहा लगाया जाता है, इसका मतलब वो भी लोकल का है, उस सर्किल का, उस सर्किल के लेखपाल के पहले देहा, बाद में देहा शब्द लगता है। तनकी, दोस्तों तनकी का अर्थ है जब भी किसी सिविल मुकदमे में वादी और प्रतिवादी दोनों अपियर हो जाते हैं, वादी के वाद पत्र का प्रतिवादी WS माने लिखित कथन के रूप में जवाब दे देता है, जवाब दावा दाखिल कर देता है, तब न्यायालय दोनों पक्षों को वादी और प्रतिवादी के डॉक्यूमेंट के आधार पर, उनके कथनों के आधार पर वाद बिंदु बनाता है। उन वाद बिंदुओं को तनकीह कहते हैं और अंग्रेजी में उसे इश्यूज कहते हैं। दोस्तों ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो नए लोगों के समझ में नहीं आते हैं कि है क्या, इसलिए चर्चा कर रहा हूं। तलबी, तलबी माने होता है बुलाना, तलब करना माने पुकार लेना या उनको अपियर होने के लिए उनको न्यायालय में बुलाना। मुवक्किल, मुवक्किल माने कक्षीकार या क्लाइंट अंग्रेजी में कहते हैं। दाखिला माने होता है दोस्तों एडमिशन, कोई नया मुकदमा जब न्यायालय में एडमिशन के लिए जाता है तो उसको दाखिला कहते हैं, अंग्रेजी में फाइलिंग कहते हैं। इस्तगासा, इस्तगासा शब्द उस जगह के लिए प्रयोग किया गया है उर्दू में जहां कोई कंप्लेंड केस दाखिल होता है न्यायालय में, माने किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे प्रार्थना पत्र पर एक ऐसी कंप्लेंड न्यायालय में जो दाखिल होती है उसको उर्दू में इस्तगासा कहते हैं। मुद्दई, मुद्दई माने वादी, जिसने जो मुकदमे को प्रोसीड कर रहा है, जिसके दम पर, जिसके बयान पर मुकदमा कायम हुआ है। खसरा खतौनी माने रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नाम, जिसको भौतिक रूप से तहसील के रजिस्टरों में अंकित किया जाता है। दीवानी माने सिविल कार्यवाही, सिविल का मुकदमा, उसको कहते हैं दीवानी माने सिविल। दोस्तों वकील माने एडवोकेट्स, मुख्तार माने अटार्नी होते हैं, जिनको कहते हैं कि अपना अटार्नी बना लिया और माने वो आपके ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। परवाना, परवाना माने सूचना, जब कोई हायर ऑफिसर अपने नीचे वाले अधिकारी को कोई सूचना इंटीमेशन देता है तो उसको परवाना कहते हैं, या कोई आदेश देता है जो रिटेन में हो। इंसाफ, इंसाफ का मतलब है न्याय। अदालत माने न्यायालय या कोर्ट। सवाल तलाश का मतलब है किसी सिविल मुकदमे में न्यायालय से कोई प्रश्न पूछा जाता है रिटन में,
जिसका रिटर्न में ही उत्तर मिलता है प्रश्नोत्तर के रूप में, उसको प्रश्नोत्तरी भी कहते हैं, उसको उर्दू में सवाल तलाश कहते हैं। जिरह, जिरह माने होता है किसी गवाह से विरोधी पक्षकार द्वारा प्रश्न पूछा जाना या उनसे ऐसे तार्किक प्रश्न पूछा जाना जो उसने मुख्य परीक्षा में दिए हैं, उनका कंट्राडिक्शन लाना, उसको जिरह कहते हैं। किसी गवाह से विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता द्वारा प्रश्न जो पूछे गए हैं वो जिरह कहलाते हैं। बहस, बहस का मतलब होता है किसी मुकदमे में अंत में दोनों पक्षकारों के अधिवक्ता लोगों द्वारा उसके लीगल फेसेस को लेकर के, लीगल वैल्यू को लेकर के एक दूसरे की जो भी कमियां है वो न्यायालय को बताना, उसको बहस कहते हैं। हाजिर माने उपस्थित, दरखास्त माने प्रार्थना पत्र, ये उर्दू वर्ड है किसी प्रार्थना पत्र का। रहन, दोस्तों रहन का अर्थ है बंधक, कोई भी जमीन या कोई भी अचल संपत्ति जब किसी को एज ए गिरवी रखी जाती है तो उसको बंधक कहते हैं। मुंतजिम का मतलब होता है प्रबंधक, उर्दू में प्रबंधक कहते हैं। हिरासत माने होता है कस्टडी या अभिरक्षा। फरियादी माने है शिकायतकर्ता माने कंप्लेनेंट। रोज नामचा आम और रोज नामचा खास, दोस्तों इसको जर्नल डायरी और केस डायरी भी कहते हैं। रोज नामचा आम का अर्थ है जर्नल डायरी। ज्यादातर थानों में एक मुख्य रजिस्टर होता है जिसको रोज नामचा आम कहते हैं, वो एंट्री रजिस्टर है। कोई भी गतिविधि थाने में जो होती है वो उसमें लिखी जाती है और उसको उर्दू में रोज नामचा आम या जर्नल डायरी कहते हैं। इसी तरह से एक होता है रोज नामचा खास, उस रोज नामचा खास को केस डायरी कहते हैं और उस रोज नामचा खास में केवल अपराध से संबंधित बातें और हर मुकदमे के लिए या हर FIR के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग केस डायरी होती है, उसको कहते हैं। दोस्तों कायमी का मतलब होता है चालू करना, प्रारंभ करना, कायम कर देना। इसके अलावा तहरीर माने तहरीर लिखित पत्र है या कंप्लेंट है। दूसरा ताजिरात हिंद IPC कहते हैं, इंडियन पीनल कोड को माने भारतीय दंड संहिता को। दरियाप्त माने होता है पूछताछ, कोई व्यक्ति अगर कोई पुलिस अधिकारी कहीं पूछताछ कर रहा है तो उसको कहते हैं दरियाप्त कर लो। गवाह का मतलब होता है विटनेस या साक्षी। मुचालका का अर्थ होता है बंद पत्र या बेल बांड। बरी का मतलब होता है दोष मुक्त माने एक्विटल। मुलजिम, दोस्तों ये दो शब्द हैं मुलजिम और मुजरिम। मुलजिम का अर्थ होता है जब भी कोई कैदी विचाराधीन हो, वो जेल में बंद है या नहीं भी बंद है लेकिन वो किसी मुकदमे में अभी विचाराधीन है, उसमें जजमेंट नहीं हुआ है, उसको मुलजिम या एक्यूज बोलते हैं। और मुजरिम, मुजरिम जैसे ही उसको सजा सुना दी जाती है, कन्विक्शन हो जाता है तो उसको मुजरिम बोलते हैं और वो फिर अपराधी हो जाता है, एक्यूज नहीं रहता। तो दोस्तों दोनों में अंतर यह है मुलजिम और मुजरिम में। इसके अलावा एक और शब्द बताया था मुलतबी, मुलतबी माने स्थगित कर देना, टाल देना। तो दोस्तों आज इन कुछ वर्ड्स पर चर्चा हुई, हो सकता है कि मेरे दिमाग में और कोई नए वर्ड्स आ जाएं जो आवश्यकता अनुसार न्यायालय में यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं। इसके अलावा अगर किसी हमारे मित्र को, किसी व्यूअर्स को ऐसा कोई शब्द जिसकी उसको हिंदी नहीं आ रही है, कोई और समस्या है, समझने में समस्या आ रही है, तो हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। धन्यवाद।